सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप भी ठीक हो, मैं दुआ करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मकई के पकौड़े बना रही हूँ। चलो देखते हैं क्या क्या लगता है। मैं ये दो मकई ले ली हूँ, इसको अच्छे से छील ली हूँ मैं, और एक चम्मच नमक ली हूँ, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ली हूँ, और आधा चम्मच हल्दी ली हूँ, आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स ली हूँ, और आधा चम्मच ऑरेगानो ली हूँ। मैं एक मुट्ठी भर हरा धनिया बारीक काट के ले ली हूँ, और थोड़ा कड़ी पत्ता भी बारीक काट ली हूँ। आधा कटोरी चावल का आटा ली हूँ, आधा कटोरी चने का आटा ले ली हूँ, और मैं 6 से 7 तीखी वाली मिर्ची ली हूँ, बारीक काट ली हूँ, और 8 से 10 लहसुन कलियां ली हूँ, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ली हूँ उसको भी बारीक काट ली हूँ, और 2 बड़ी प्याज ली हूँ उसको भी बारीक काट ली हूँ मैं। और इसको है ना, मकाई को मैं है ना ये मिक्सर जार में डाल देती हूँ। और ये मिर्ची को भी डाल देती हूँ, और अदरक लहसुन को भी डाल के मैं है ना एकदम दरदरा पीस लेती हूँ। इसको पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैं पीस ली हूँ, एकदम दरदरा पीस ली हूँ, बारीक नहीं पीसना है इसको। सब मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। ये जो मैं सूखे मसाले ली थी ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ, और ये हरा धनिया भी डाल देती हूँ, और ये प्याज को भी डाल देती हूँ उसमें, और ये कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ, और ये मैं चावल का आटा भी डाल देती हूँ इसमें। चावल का आटा डालने से क्या होता है, अच्छा क्रिस्पी बनते हैं हमारे ये भजिए। अब ये बेसन भी डाल देती हूँ उसमें, मैं डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, एकदम अच्छा बना है हमारा भजिया का ये बेटर आटा। और इसमें है ना ना पानी डालना है ना सोडा डालना है, कुछ भी नहीं डालना है इसमें, ये अच्छा मिक्स हो गया है। देखो अभी मैं तेल रख ली हूँ इधर गरम के लिए, गैस पे कढ़ाई में तेल रख ली हूँ, हमारा तेल है ना अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं एक एक करके छोड़ती हूँ। बिस्मिल्लाह। सारे मैं इसमें छोड़ के आपको दिखाती हूँ। अच्छे से इसको अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ मैं, अच्छे क्रिस्पी होने तक। ये देखो माशाल्लाह कितने अच्छे दिख रहे हैं। अभी निकाल लेती हूँ मैं इसको, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये। सारे निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बनके तैयार हो गए हमारे मकाई के पकोड़े, देखो कितने अच्छे बने हैं, और बहुत क्रिस्पी भी बने हैं, और बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, दुआ मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।